बहुत मजा आया, मतलब वो टेक ऑफ लैंडिंग वाली फीलिंग ना, लिविंग अ ड्रीम। घर जाने का मन नहीं कर रहा, मन कर रहा यही कैंपस में घर के जाना। इतना ज्यादा कोई चिल आउट कैसे कर सकता है काम को, मतलब यहाँ काम करना फील नहीं होगा काम करना। तक ऐसा लगता था कि ऑफिस आर जस्ट लाइक क्यूबिकल्स, बैठो और लग जाओ काम। वीडियो के उस साइड रहने में अलग फील था, इस साइड आके अलग ही फील है। मतलब जो वीडियो में हम देख रहे थे ना, उस टाइम पे जो वाइब आ रही थी उसका इंटू थाउजेंड कर दे। तो यशदीप, शिवांश कैसा लग रहा है? दोनों की टिकट हो चुकी है हैदराबाद टू, मतलब दोनों अलग अलग सिटीज में, तो दोनों की टू हैदराबाद एंड बैक टू होम दोनों टिकट्स हो चुके हैं। नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक आएंगे दोनों, तो कैसा लग रहा है? अमेजिंग फॉर मी, इट्स लाइक अ ड्रीम, बिकॉज़ जैसा मैंने बताया कि मेरा कॉलेज स्टार्ट होने वाला है जस्ट, अब मैं फर्स्ट ईयर में जाऊंगा और उससे पहले ही एक कंपनी जिसके लिए एस्पायर करूं उसका टूर और आपके साथ, अमेजिंग। अरे बढ़िया यार, सही है सही है सही है। फर्स्ट ईयर हो गया है, छुट्टियां खत्म हुई है, पहला ही एक्सपीरियंस सेकंड ईयर की शुरुआत ऐसे हो रही है। ग्रेट यार, मतलब सही है। दोनों की पहली फ्लाइट होने वाली है, दोनों पहली बार किसी और सिटी में जाने वाले हैं, तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस होगा। लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। मिलते हैं तुमसे दोनों से दो हफ्ते बाद, ठीक है? चलो फाइनली आज जाके हम मिल रहे होंगे निशांत भैया से, पहली बार मैं फ्लाइट में बैठूंगा एंड देन वी विल ऑल्सो गेट अ चांस टू विजिट द माइक्रोसॉफ्ट कैंपस। इट्स जस्ट लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। Hi guys, welcome back to the channel. तो आज है 20th August and आज हम जाने वाले हैं अपना हैदराबाद टूर एंड ऑफिस टूर करने। जो दो गिव अवे विनर्स थे जिनको हैदराबाद टूर कराना था, वो आज आ रहे हैं, यशदीप एंड शिवांश। तो जल्दी से चलते हैं एयरपोर्ट पर उनको पिकअप करने। शिवांश की फ्लाइट लैंड हो चुकी है, यशदीप की भी नहीं हुई है, जब तक मैं पहुँचूंगा तब तक हो जाएगी, फिर उनको लेके आते हैं। लेट्स गो। सो वी आर एट द एयरपोर्ट, वी आर वेटिंग फॉर शिवांश एंड यशदीप। दोनों लैंड कर चुके हैं, भी अराइवल पे हैं। दोनों की फर्स्ट फ्लाइट थी, तो थोड़े से कन्फ्यूज है कि नहीं करना कहाँ से है, बट आ जाएंगे जल्दी, फिर चलते हैं। हाय गाइस, कैसे हो? बढ़िया। चलो कैसी रही जर्नी? बहुत मजा आया। मजा आया। तो हमने अभी अपना सामान रखवा दिया दोनों को एंड जा रहे हैं अभी ऑफिस की तरफ। थोड़ा सा पास में ये तो सोचो वॉक करके चलते, साथ साथ दोनों मौसम का मजा भी ले रहे हैं। बढ़िया मजा। बैंगलोर के बाद बैंगलोर अभी भी नंबर वन है ना। बैंगलोर नंबर वन। मैं दिल्ली से आया हूँ तो वहाँ की गर्मी से अभी यहाँ ना मजा आ रहा है। तो तुम ये बताओ पहले, तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा रहा? एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा था, नाइट फ्लाइट का भी आराम से हो गया, पैर तो लग रहा दिक्कत होगी बट इन द एंड ओवरऑल सब ठीक था। फिर यहाँ भी पहुँच गया, यहाँ तो फर्स्ट फ्लाइट एक्सपीरियंस कैसा रहा दोनों? बहुत मजा आया, मतलब वो टेक ऑफ लैंडिंग वाली फीलिंग ना, इट इज़ अनदर लेवल वाइब। और जो एक्सपीरियंसेस मिले ना कि एयरपोर्ट जाना, सेल्फ चेक इन एंड ऑल दैट, मूविंग टू अनदर सिटी, वो भी मतलब एवरीथिंग इज अनएक्सप्लेनेबल, बट फिर भी एक ऐसी मेमोरी जो लाइफ टाइम साथ रहेगी। बढ़िया, अभी तो मैं मेरी तुम्हारी स्टार्ट हुई है, अभी ऑफिस जाएंगे और मोटिवेशन मिलेगी दोनों को। चलो, तो दोनों की एंट्री तो हो गई है, अभी विजिटर्स पास बनवाना है, तो विजिटर्स पास बनवाते हैं जाके। बट फर्स्ट इंप्रेशंस कैसे लग रहे हैं? नेक्स्ट लगा दिया, लिविंग अ ड्रीम सिर्फ। अभी तो चलो अंदर। That before moving forward, there is a message from today's video sponsor, Coding Ninjas. अब पहले 25% off का link is in the description. तुम जाके definitely check out कर सकते हो. And if you don't know about Coding Ninjas, यार, Coding Ninjas is India's one of the largest coding educational platform. तो यहाँ पे बहुत सारे courses मिल जाते हैं. Android development, web development, machine learning, DSN, C++, Java, Python. And जो यहाँ पे instructors हैं यार, वो तुम्हारे IIT Stanford graduates हैं. उन्होंने Facebook, Amazon जैसी amazing companies में काम किया हुआ है. तो you can definitely check it out. एंड इसके अलावा जब तुम कोई भी कोर्स करते हो तो यार डाउट्स वगैरह तो आ जाते हैं, तो देर आर 200+ हिंट वीडियोज इन DSA C++ वाला कोर्स। सिमिलरली और कोर्सेज में भी सेम हिंट वीडियोज काफी ज्यादा मिल जाते हैं तुम्हें। एंड उसके बाद भी अगर तुम्हारे डाउट सॉल्व नहीं होता है तो तुम्हें TA सपोर्ट मिल जाता है, 3 से 4 घंटे के अंदर तुम्हारे सारे डाउट्स वगैरह सॉल्व हो जाते हैं। सो यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट, 25% ऑफ का लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो चलो के देखना तुम्हें यहाँ पर। नहीं, नहीं, नहीं।
बट फिर भी यार कमाल है, काम करते करते थक गए, लेट्स गेट अ नैप, क्या प्रॉब्लम है. बिल्कुल, कैसा लग रहा है? बहुत सही है, अच्छा लगा. और मतलब हर एक चीज है यहाँ पर कि इतना ज्यादा कोई चिल आउट कैसे कर सकता है काम को, मतलब यहाँ काम करना फील नहीं होगा काम करना. हाँ. यहाँ मतलब ये हाल है कि घर जाने का मन नहीं कर रहा, मन कर रहा है यहीं कैंपस में रुक जाते हैं, घर क्यों जाना. जबकि अभी कैंपस में लोग नहीं है फिर भी इतना अच्छा लग रहा है, मतलब लोग होंगे तो पता नहीं काम हो जाएगा. लोग बढ़िया बढ़िया बढ़िया. तो दोनों का पहले ही एक्सपीरियंस होगा टू एनी ऑफिस, है ना? तुमने कभी देखा नहीं होगा, बस वही मूवीज में, टीवी सीरीज में, यूट्यूब वही सब देखा है. इसका कैसा लगता था कि ऑफिसेज आर जस्ट लाइक क्यूबिकल्स, बैठो और लग जाओ काम में. लेकिन यहाँ के रियलाइज हो रहा है यार ऑफिस कैन आल्सो बी फन. एग्जैक्टली, ऑफिस जाने में भी आपको मजा आए, काम करने में मजा आए. इनका मोटिव इज यही है कि ताकि तुम्हारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो एंड यू फील मोर प्रोडक्टिव. एंड तुमने भी काफी सारी चीजें देखी, टीटी खेला, पूल पहली बार खेला, टीटी से पहली बार खेला, पूल तो रहने देते हैं, टीटी अच्छा था, फिर भी मजा आया. कैफेज देख लिए तुमने, कैफेटेरिया वाला पार्ट देख लिया, वेंडिंग मशीन्स हैं, वेंडिंग मशीन्स वगैरह हर जगह है जो मैं बताया वीडियो में, तुम्हें जो कुछ खाना है तुम खा सकते हो, हर जगह टेबल्स लगे हुए हैं, कहीं भी जाके वर्क करो. मतलब जो वीडियो में हम देख रहे थे ना उस टाइम पे जो वाइब आ रही थी उसका इंटू थाउजेंड कर दे वो आ रही है यहाँ पे, तब इतना अच्छा लग रहा था, तब तो कांटेक्ट मतलब काफी ज्यादा सही लग रहा है. चलो बढ़िया, तो मोटिवेट हो गए ना और अच्छे से करने के लिए. मतलब अब तो लग रहा है कि यही आना है. चलो बहुत सही बहुत सही बहुत सही. तो अभी थोड़ी सी चीज़ें और बची हैं घुमाने ने, अभी इन्होंने बस अंदर अंदर से ऑफिस देखा है, बाहर से तो अभी ऑफिस देखना बचा ही है, लेक जाना बचा है हमारा, बास्केटबॉल कोर्ट, फुटबॉल कोर्ट, तुम्हारा टेनिस कोर्ट, जो भी आउटडोर वाली एक्टिविटीज़ है सारी बची हैं. इंडोर इन्होंने देख लिया है दोनों बिल्डिंग्स, थर्ड बिल्डिंग इज ऑल्सो सेम, तो कोई पॉइंट नहीं घूमने का. तो अभी थोड़ी देर रेस्ट करके फिर अभी चलते हैं, बास्केटबॉल कोर्ट वगैरह दिखाते हैं और घूमते हैं, थोड़ा ठंडी हवा का मज़ा लेते हैं. हम अभी जा रहे हैं नॉर्मल टूर, थोड़ा लंच वंच करना है एंड इनका ऑफिस टूर तो हो गया है. ऑफिस टूर तो काफ़ी अच्छा था, मतलब पूरी वाइब आ रही थी, मज़ा आ गया. इट्स इनसाइड आर मेमोरी, अभी भी मन नहीं कर रहा था ऑफिस से आने का, लेकिन आना तो पड़ेगा, क्या कर सकते हैं. और अब मतलब थोड़ा बहुत हैदराबाद आसपास वाली जगह घूमेंगे साथ में, फिर कल ये दोनों घूमेंगे थोड़ा बहुत अपना. हाँ कल एंड फिर शाम को ही, कल शाम की फ्लाइट है, बाकी अभी चलते हैं खाते हैं. पेट पूजा डन, अब हम जा रहे हैं बोटिंग करने, और फिर बोटिंग करके सब थक गए हैं, मतलब बोटिंग करने गए सब थक जाएंगे. फिर अपने अपने घर निकलते हैं, ये अपने होटल जाएंगे और इनको ड्रॉप करके फिर मैं घर निकलूँगा, मैं भी थक गया हूँ, सोऊंगा जाके. अब बोटिंग करते हैं, कैसा रहा और एक्सपीरियंस? हम वहाँ पे दो लोग और मिल गए थे. अब तारीफ हम इतनी कर रहे हैं लेकिन फिर भी अब भी मन नहीं भर रहा तारीफ करके, इतना मज़ा आ रहा है. चलो बढ़िया है, मज़ा आना चाहिए. हैदराबाद में मस्त एकदम. अभी हम जा रहे हैं दुर्गम चेरू, अभी हाथ से हम करेंगे बोट राइड और फिर आगे देखते हैं. चलो बेचारे बेचारे को अकेला बिठा दिया. मेरा वेट ज्यादा है. हाँ शिवांश भाई आप इधर आओ, हम अकेले दुख नहीं सहेंगे. कैसा रहा आपका बोटिंग राइड? बहुत मजा आया, मौसम हो रहा था एकदम गजब, बस मेरे साथ थोड़ी सी वहां धोखाधड़ी हो गई, अलग बिठा दिया. इसे बोल दिया कि भाई तुमको नहीं ले सकते, डिसबैलेंस हो जाएगा. बाकी राइड में मजा काफी आया, पेडल का ट्राई किया बट मना कर दिया हमने. कोई नहीं अगली बारी पेडल कर लेना, कल कर लेना हुसैन सागर जाके पेडल. राइड वाज वर्थ इट यार, बहुत सही है. अभी हम जा रहे हैं होटल एंड हमारी राइड भी आ गई है, देखो हो रही, उस राइड में बैठ के हम जाएंगे, चलते हैं. बोल दिया था, सही है, होपफुली पहुंच गया. फर्स्ट एक्सपीरियंस एवरीवेयर है यार, जगह फर्स्ट है, फर्स्ट हो रही है. चलो कैसा लगा? काफी सही था. अपना आलिशान आलिशान कहते हैं हमारा, मजा आ रहा है, थक गए हैं बहुत ज्यादा, अच्छे से नींद भी नहीं पूरी हुई थी लेकिन अब जम के सोने वाले. अब सो जाना, कोई दिक्कत नहीं है, सो जाना आराम से. बहुत मजा आया आज, बट स्टिल वेटिंग फॉर टुमारो, देखते हैं और क्या क्या होता है.
बट ये आज का दिन बहुत ज्यादा मेमोरेबल यार, एवरीथिंग वाज इनक्रेडिबल, बहुत चीजें जानने को मिली, बहुत कुछ पूछने का मौका मिला भैया से जो नहीं पूछ पाते थे। चलो अच्छी बात है, बहुत अच्छी रिप्लाईज मिले भैया से, मतलब और चार लोग तब तक भैया को रिकॉग्नाइज कर चुके। हां भैया है सेलिब्रिटी, हैदराबाद के भैया सेलिब्रिटी हैं। बस भाई बस इतनी भी पैसे नहीं दे रखे मैंने, ठीक है अपने आप बोल रहे हैं भाई। चलो यार अब दोनों से मिल लिए हैं, दोनों को ऑफिस टूर भी दे दिया, थोड़ा बहुत घुमा दिया, खा भी लिया, सब कुछ कर लिया। अब मैं निकलता हूँ घर, क्योंकि हम तीनों थके हुए हैं, ये तो सोए नहीं है, एक घंटा सोया, ये दो घंटा सो लिया था, हम दोनों निशान जाके सोएंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अभी ये दोनों की कुछ क्लिप्स और होंगी, वो बीच में कहीं आ जाएंगी। ओके कल हैदराबाद थोड़ा और घूमेंगे। हाँ बाय 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 बाय, सी यू गाइस टुमारो बिफोर लीविंग आई थिंक। चलो बाय 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 बाय। नेक्स्ट डे स्टार्टेड, वी गाइस आर रेडी, अभी जाएंगे हम लोग ब्रेकफास्ट करने नीचे होटल में, और उसके बाद हम बाहर घूमने निकलेंगे। होपफुली सबसे पहले हम जाएंगे चार मीनार, फिर वापस आते हुए गोलकोंडा, और कोशिश ये रहेगी कि जल्दी से जल्दी आ जाए ताकि निशांत भैया से वापस मिल पाए, अदरवाइज उनसे मिल नहीं पाएंगे। सो थोड़ा टाइम कंस्ट्रेंट है यहाँ पे, मतलब आज हैदराबाद की जो बची हुई जगहें हैं थोड़ी सही सही हम उन्हें एक्सप्लोर करना चाहेंगे थोड़ा बहुत। और कोशिश ये है कि असल में निशांत भी हमारे साथ नहीं जा पा रहे हैं ड्यू टू सम रीजंस, बट हम उनसे मिले बिना नहीं जाना चाहते एयरपोर्ट, तो हम वापस आके उनसे दोबारा मिल लेंगे। एंड होटल में जो वाइब्स आ रही हैं, जो फील आ रही है लग्जूरियस, मतलब बहुत लक्की फील कर रहे हैं कि हम गिव अवे जीते, इतना कल जो मजा आया है ना, कल सर बता रहा हूँ जो निशांत भैया के साथ घूमने में मजा आया, कई सारी जगह हम लोग गए, बोटिंग की, तो काफी सही था, और होटल में भी काफी मजा आया। डेफिनेटली यार, मतलब अलग ही वाइब्स हैं इस जगह की, ये जो फील आ रहा है ना हम अभी से एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं कि अगर कल को हम काम करने आते हैं यहाँ पे, इवन इन माइक्रोसॉफ्ट या फिर हैदराबाद में किसी कंपनी में, तो हमें क्या एक माहौल मिल सकता है, तो ये मोटिवेशन देता है हमें आगे और एफर्ट्स पुश करने के लिए कि हमें एक, तो मतलब हम भी क्रैक कर पाए। काफी सही है, और डेफिनेटली बता रहा हूँ तुम लोग भी चाहोगे कि यहाँ पे आ सको, सो ट्राई हार्ड फॉर दैट। खैर अभी तो निकलते हैं ब्रेकफास्ट के लिए, वरना लेट हो जाएंगे, लेट हो जाएंगे। सही बात है। कैसी रही आपकी ट्रिप? Can't explain in words, really. मतलब जितना सोचा था उससे भी 1000 times better. आज कहाँ गए घूमने फिर? आज हम लोग सबसे पहले गए थे चार मीनार, after that we went to गोलकोंडा फोर्ट, लेकिन जो गोलकोंडा फोर्ट में फील आई ना, मतलब मौसम इतना अच्छा हो रहा था, जो हम वहाँ देखा, जो व्यूज आ रहे थे, एवरीथिंग इज अनएक्सप्लेनेबल। सही है, तो अभी इन दोनों का चेकआउट तो हो चुका है, एंड अभी पिज्जा क्या है डोमिनोज का, थोड़ी देर में निकलेंगे। एक की फ्लाइट 7:45 की, एक 8 PM की है, तो दोनों 5 के अराउंड यहाँ से चले जाएंगे। बढ़िया था, आई होप जो मोटिव था पूरा हो गया। मन तो नहीं कर रहा वैसे जाने का, खासकर भैया को छोड़ के, लेकिन भैया जाना तो पड़ेगा। अच्छा था, ठीक है, मिलते हैं जल्दी फिर से। हाँ शिवांश अपना भाग ले रहा है। सो द होल हैदराबाद टूर, ऑफिस टूर, कुछ भी कह लो, इज ओवर। And why I started this was because मेरे को याद है जब तुमने अगर वीडियो देखी होगी ईशान वाली, जब ईशान केम टू हैदराबाद, ईशान एंड यश, तो उसके एक फ्रेंड भी आया हुआ था उसके साथ, एंड वी वेंट टू द ऑफिस, उनको ऐसे ही ऑफिस घुमाने, एंड एट द एंड ऑफ दैट जो दो लोग थे उन्होंने बोला, जो ईशान के दोस्त थे, कि थैंक यू सो मच भैया हमें ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए, एंड शायद हम कभी यहाँ पे ना आ पाते वैसे। एंड आई वॉज लाइक कि इफ दे वर मोटिवेटेड दिस मच, तो आई थिंक और लोगों को भी इससे मोटिवेशन मिल सकती है। एंड आई आस्क दिस इन दैट वीडियो, एंड वहाँ पे कमेंट्स बस भर के बस यही थे कि भैया प्लीज़ स्टार्ट करो, प्लीज़ स्टार्ट करो, प्लीज़ स्टार्ट करो। सो देन आई स्टार्टेड इट, एंड या दिस वाज द फर्स्ट टाइम। इफ़ यू गाइस थिंक कि इट इज़ अ गुड आइडिया, बिकॉज एवरीथिंग वाज स्पॉन्सर्ड, आई लाइक टुक केयर ऑफ एवरीथिंग, जो उनका आना था, जाना था, खाना था, सब कुछ, उनको कुछ भी नहीं करना पड़ा है अभी तक, एंड देवर एक्चुअली वेरी हैप्पी। आई कैन सी द लाइक इमोशंस ऑन देयर फेसेस, कि कितना अच्छा लगा था उन्हें, एंड वो देख के अलग ही खुशी मिली। सो काफ़ी मज़ा आया। इफ़ यू गाइज थिंक वी शुड कॉन्टिन्यू दिस, तो कमेंट्स में तुम बता सकते हो। एंड इतना ही रहा आज वाली वीडियो में, आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए।